भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज संपन्न हुआ। यह राष्ट्रीय अधिवेशन लोकसभा चुनाव से पहले हर 5 वर्ष में होता है। इस अधिवेशन में पूरे देश से सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी इस अधिवेशन में शामिल होते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सभी को आह्वान किया तथा लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से पार्टी को विजयी बनाने के लिए सभी से अपील की। चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष कंपनियों में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनयान की सफलता का गौरव गान करे। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खजानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। वो मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। हर हिंदुस्तानी के दिलों को जोड़ना, वो अपने हित के लिए कार्यकर्ता के नाते अपना योगदान करते हैं। अभी अभी नरेंद्र मोदी ऐप पर पार्टी को चंदा देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए 5 रुपये से 1000 रुपये तक हम योगदान नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से दे रहे हैं, दे सकते। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग चंदा जनता का, कार्यकर्ताओं का नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से साधन शुद्धि के पक्ष में रही है। पार्टी चलाने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का साधन भी शुद्ध होना चाहिए और कार्यकर्ता से के समर्पण से ज्यादा शुद्ध कोई और दान नहीं हो सकता। तो मैं आप सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि इस बार जो हम समर्पण दिन मनाएंगे, हम सब आग्रह रखें, ज्यादा पैसा जो देना चाहते हैं उनका चेक ले, मगर वो भी 1000 रुपया तो नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से पार्टी को जरूर दे। इस दिशा में देश की राजनीति को प्रेरित करने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी, एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। सभी दलों के अंदर इस प्रकार की पारदर्शिता आए, इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। मुझे लगता है हमने एक संदेश को नीचे बूथ तक पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा, आज पूरा सदन नमो अगेन का एक कैप पहनकर बैठा है। अब एक कैप और इस प्रकार की सारी चीजें, कई सारी चीजें नरेंद्र मोदी ऐप पर परचेज कर सकते हैं। कुरियर से आपके घर तक पहुंचने के दाम उस पर रखे हुए हैं। मेरा आग्रह है कि ये छोटी छोटी मीटिंगों में, छोटे छोटे समुदायों में इसको पॉपुलर करना चाहिए। इसके लिए भी केवल चुनाव के महीने हर व्यक्ति वक्तव्य जो हम देते हैं, चाहे समाचार पत्र में हो, सोशल मीडिया पे हो, टेलीविजन में हो, या जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, जो भी भाषण हम देते हैं, उसमें हमें चुनाव कैसे जीतना है, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बनाना है, खड़े होकर के मैं आप सबको यही कह करके जाऊंगा, जो वादा सबका
संविधान पर चलने के लिए आएगा और बीजेपी से बात करने का कोई प्रस्ताव कोई भी दल करता है उसको विश्लेषण करती है, विश्लेषण करने के बाद जो नीतिगत निर्णय है वो मरम काम है। वो और बढ़ गया कि तीसरे मिल जाते तो हम ज़्यादा खुश होते। वो तीसरे को क्यों छोड़ दिया इसका हमको आज बहुत दुख। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 2019 के लिए कितना फायदेमंद हुआ? मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी ये केडर पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर बढ़ने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता ही इस पार्टी को समृद्ध बनाए हैं। तो ये पूरे देश के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर पार्टी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता अपने नेताओं से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पर पूरे देश के हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर सभी हमारे लोक प्रतिनिधि और हमारे केंद्रीय नेतृत्व सभी यहाँ पर उपस्थित था। सबसे प्रेरणा लेकर लोग आज विजय का संकल्प कर अपने घरों में जा रहे हैं और आने वाले 19 के चुनाव का संकल्प लोगों ने किया है। लोकसभा चुनाव आने से पहले सपा बसपा उत्तर प्रदेश में एक हो गई, कांग्रेस भी मन बनाए बैठी है, क्या मानते हैं कि कांग्रेस जिनका नेतृत्व एक नहीं है, जिनकी कार्य पद्धति एक नहीं है, जिनके में आपसी कोई साम्य नहीं है, ऐसे सब लोग केवल मोदी जी का अश्वमेध रोकने के लिए अगर इकट्ठा आते हैं तो इस देश की जनता निगेटिव ताकतों पर कभी विश्वास नहीं रखती। इसका ही अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी पावरफुल हुई है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। सही नीति और सही रास्ता बताया है और पार्टी और पूरा भारत देश उसी रास्ते पर चलेंगे। सर राफेल मुद्दे को मोदी जी ने उठाया, राफेल तो आपका राहुल गांधी ने ही इसको बनाया कि एक कोशिश किया, लेकिन वो साफ हो गया। लूटने वाले लोग दूसरे को अगर उंगली उठाएंगे तो वो खुद नंगा हो जाएंगे। जनतेची मानसिकता आणि सध्या भाजपची स्थिती, सरकारचं कार्य आणि काँग्रेस पक्षावर जनतेचा मुळीच विश्वास नाही आहे, हे सगळं जाणून त्यांनी विषय मांडले। प्रत्येक नेता कार्यकर्ता लागेल। राष्ट्रीय अधिवेशन 2019 के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में बहुत वर्षों के बाद कार्यकर्ता नेता नेतृत्व जमा होकर के 2019 के चुनाव पर चर्चा कर रहा है। उसके अतिरिक्त जो भी सरकार ने 4.5 साल से ज़्यादा के समय में कार्य किया है, कार्यकर्ताओं को ब्रीफ किया जा रहा है कि वो किस तरह से पब्लिक के बीच में जाएं और इसको बताएं। और प्रधानमंत्री जी ने तो कई चीज़ें बड़ा स्पष्ट की है जो कि कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए और तभी वो क्षेत्र में जाकर के मजबूती से बात को रख पाए। जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति अपना पहले से जानी पहचानी जाती थी, आज उसी नक्शे कदम पर कांग्रेस भी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के अस्तित्व की बात है तो अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी कयावत करना पड़ता है। कांग्रेस की नदी में जाके नहाना, दर दर मंदिरों में जाना, ये पहले नहीं हुआ करता था, उनके अस्तित्व का मामला है, अब वो कर रहे हैं। अब कांग्रेस की राजनीति गोत बताने से जाति बताने पे आधारित, हालांकि गोत्र जाति इस देश की वास्तविकता है, बताए न बताए, लेकिन जो राजनीति है उसका जो बेस है वो जाति ही इस देश का। हाँ, अब कांग्रेस को इसलिए भी बताना पड़ रहा है कि अब जो दबे कुचले थे वो भी जागृत हो गए और इसलिए उनको बताना पड़ता है। दिल्ली में चल रहा है 2019 के लिए कितना महत्वपूर्ण है? 2019 के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आज इस अधिवेशन के माध्यम से जो जन सैलाब हम देख रहे हैं, पूरे भारत देश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अधिकारीगण आज ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले 2019 के भी चुनाव में किसी भी हाल में मोदी सरकार को हमें लाना है, क्योंकि आज देश को बचा सकता है तो सिर्फ मोदी जी ही एवं भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बचा सकती है, ये आज सभी भारतवासियों को पता चल चुका है। और मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहूँगा कि 2019 के भी चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी। जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व के लिए आज जाने पहचानी जा रही थी देश में, उसी तरीके से राहुल गांधी भी आज हिंदुत्व के दम पर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 2019 में कितनी? राहुल गांधी के खून में दो, यानी एक तो अंग्रेजी खून कह सकते हैं, दूसरा मुगलों का भी खून हम कह सकते हैं, और ऐसे खून मिलकर एक राहुल गांधी जी का जन्म हुआ। तो ये व्यक्ति ना देश को बचा सकता है और ना ही ये व्यक्ति देश को आगे बढ़ा सकता है। ये जैसे हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं, राहुल एक जोकर है। ये सिर्फ जोकर का ही रोल अच्छे से अच्छा निभा सकते हैं, ना कि और इनके हाथों कुछ नहीं होगा। देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि तुम्हें कैसा नेता चाहिए, जो झूठ बोलता है, जो आलू से सोना उगाता है, क्या ऐसा नेता चाहिए, या ज़मीनी स्तर पर जो देश का भला चाहता है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, क्या ऐसा नेता चाहिए, ये देश की जनता के ऊपर निर्भर है। जी राजा जी, जिस तरह से ओवैसी आपके बारे में हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो क्या मानते हैं कि आपसे उन्हें डर लगता है या आपसे? ऐसा है, ओवैसी ब्रदर्स जो है, उनकी जो पार्टी है, वो देश में देश को दो टुकड़े करने के लिए उस पार्टी का निर्माण हुआ था एक ज़माना पहले। आज ये 7 विधायक है और एक सांसद है, और खुद के भाई के ऊपर एक देशद्रोही केस बुक है। मैं तो कहूँगा ये देशद्रोही पार्टी है, और ये लोग सिर्फ जून में ही पुकारते हैं। ये लोग जून में ये कहते कि 15 मिनट का समय मिले तो 100 करोड़ हिंदुओं को हम ख़त्म कर देंगे। तो हमने भी पलटवार किया था कि भाई 15 मिनट छोड़ो, अगर तुम्हें हमें 5 मिनट देते हैं तो तुम दोनों भाइयों की गर्दन एवं 7 विधायकों की गर्दन हमारे पैरों तले होगी। हमने भी वो समय पर जवाब दिया था, लेकिन उसका जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इनको मैं नपुंसक कहूँगा। देखिए, जो खुले में बात करता है वो मर्द की औलाद होता है, जो झुंड में बात करता है वो नपुंसक की औलाद कहलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ भाजपा का 2019 से पहले, ये चुनाव से पहले, किस तरह से क्या लाभ मिलेगा पार्टी को इसका? आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न प्रदेशों से हमारे जितने भी जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के हमारे जितने भी नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब आए हुए हैं, विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारी आए हुए हैं, और सभी को यही मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग 2019 में फिर से भारी बहुमत से भाजपा सरकार को हम लेकर आए और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री चुने। जिस तरह से आप झारखंड से हैं, झारखंड में क्या स्थिति है बीजेपी की, 2019 में क्या स्थिति रहेगी? क्या झारखंड में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, और हमें ये यकीन है कि वहाँ पे भी हम सरकार बनाएंगे, पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे, और सभी वर्ग के हमें सपोर्ट इस बार उम्मीद है कि सभी वर्ग हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, पार्टी को महागठबंधन से कितना फायदा और नुकसान हो सकता है, क्या? महागठबंधन देखिए तेल और पानी के मेल जैसा है, और इसको पार्टी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विचलित नहीं है। हम कार्यकर्ता पूरे जोश और दमखम के साथ मेहनत कर रहे हैं, और पूरा हमें भरोसा है कि ये बिल्कुल फेल होगा महागठबंधन और हमारी सरकार फिर से बनेगी। नहीं, राष्ट्रीय अधिवेशन में जो संदेश दिया है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में, और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है कि आज़ादी के 70 सालों तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को सम्मान और विकास के रास्ते पर आगे ले चलने का जो संकल्प उनका है, ऐसे तमाम समाज के लोग थे, जो गरीब समाज के लोग थे, जो कभी डोली के पिछले कहार हुआ करते थे, उनको कोई पूछता नहीं था, आज ऐसे लोगों को भी गैस का चूल्हा दे करके, शौचालय दे करके, मकान दे करके, रोजगार दे करके, उनको जो आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, और जिस तरीके से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में ये मोदी जी की सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में 2019 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 में ओबीसी की क्या भूमिका रहेगी? पूरी की पूरी ओबीसी के लोग जो है मोदी जी के साथ खड़े हैं। मकान आज़ादी के 70 साल तक जो डोली के पिछले कहार थे, अब डोली के अगले कहार है, इसलिए पूरा ओबीसी मोदी जी के साथ खड़ा है। क्या संदेश लेके जा रहे हैं 2019 के लिए आज? आज जो भी हम यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, सब नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ जा रहे हैं, और सबका एक ही संकल्प है कि 2019 में पुनः मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अब की बात 282 से अब 382 लेके आनी है। इस जोश के साथ सब लोग जा रहे हैं। आज जिस तरीके से ऑपोजिशन के लोग नेगेटिविटी फैला करके देश में भ्रष्टाचार को
जातिवाद को, प्रांतवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सब का एक ही जो एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, जिसको हमारे प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं, उसी भाव के साथ आज पूरा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में आते हैं। महाअधिवेशन जो चल रहा है, किस तरह का राष्ट्रीय अधिवेशन, कितना जरूरी है 2019 के? जब भी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे पूर्व ऐसा अधिवेशन होता है। जैसे 2014 में हुआ था क्योंकि चुनाव था लोकसभा का, और 2019 में चुनाव है इसलिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा यहाँ रामलीला मैदान में चल रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन से 2019 में कितना बड़ा फर्क आने वाला है? कार्यकर्ता कितना चार्ज हो जाएगा? कार्यकर्ता चार्ज है और कार्यकर्ता और ज़्यादा चार्ज होगा, और पहले से और ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी हिंदुस्तान। कांग्रेस जिस तरह से हिंदुत्व के राजनीति पर चल रही है, जिस तरह से बीजेपी का बीजेपी की कॉपी कर रही है, क्या मानते हैं कांग्रेस 2019 में? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है कांग्रेस, हाँ कहीं दूर दूर तक नहीं। राष्ट्रीय अधिवेशन से 2019 को कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन करती है, और पूरे भारतवर्ष के 722 जिलों के अध्यक्ष महामंत्री, पूरे 16 प्रदेशों में हमारी सरकार है, 12,000 डेलीगेट्स इस अधिवेशन में आए हैं, जो एक बहुत बड़ा अधिवेशन है, और यहाँ जीत का मंत्र दिया गया, पिछले 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धि बताई गई, और हर क्षेत्र का काम, चाहे वो हाईवेज का हो, चाहे सौभाग्य का हो, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे गडकरी जी ने हाईवेज बनाए हों, और जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में, किसानों के बारे में राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा अलग से, तो शोषित गरीब वंचित पीड़ित की सरकार रही कल्याणकारी योजनाओं के साथ गरीबों के लिए, उसके लिए यहाँ विस्तार से बताया गया। और मोदी जी ने बात कही है कि इस 5 वर्ष तो हमको नींव जमाने में लगे हैं जी, और यही गलती देश ने पहले एक बार की थी 2004 में, जब अटल जी को दोबारा अगर लेकर आते तो वो जो रफ्तार थी कम नहीं होती। आज इस मजबूत नींव वाली सरकार को अगर भविष्य में मजबूर नहीं बनना है, लोगों से पूछा है कि आप मजबूर सरकार चाहते हो कि मजबूत सरकार चाहते हो, कार्यकर्ताओं ने कहा है, देश ने कहा है मजबूत सरकार चाहिए, और उस मजबूत सरकार के लिए एक बार पुनः अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये हमारा मूल मंत्र है, और हर कार्यकर्ता ने ये निश्चित किया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र लेकर हम हिंदुस्तान में जा रहे हैं। 2019 से पहले, ये चुनाव से पहले आप सपा बसपा का गठबंधन यूपी में हो गया है, कांग्रेस भी मन बनाए बैठी है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे बीजेपी का? क्या क्या फ़र्क पड़ता है इससे? चोर उचक्के इकट्ठे हो करके इस ईमानदार सरकार को डिगा नहीं सकते, इसके नियत को, इसके इरादों को डुगा नहीं सकते। आप देख लेना, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ, 4 महीने बाद आप मुझे फिर बुलाना, 80 में से 60 हमारी, 20 में बाकी सबकी बारी, ये निश्चित होगा यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सपा बसपा का गठबंधन हो गया देश में, भाई कोई गठबंधन कितना बड़ा गठबंधन हो जाए, ये सब अपने में दुश्मन आगे थटाएंगे, आप एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को छक्का छुड़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं होने वाला। एनडीए गठबंधन ही देश का एक सच्चा गठबंधन होगा, कल्याणकारी होगा, लोक कल्याण करेगा, और आने वाले दिनों में ये महाठगबंधन ठगने वाले, जनता को जो ठगती रही है, ये जनता के आंख में धूल झोंकती रही है, ये कांग्रेस हो या ये ठगबंधन हो, ये सभी हिंद महासागर में समा जाएंगे। जिस तरह से बीजेपी फिर से नरेंद्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री होंगे, जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी मानी गई, उस तरह कांग्रेस भी आजकल कॉपी करने की कोशिश कर रही है, 2019 में क्या कर पाएंगे? अरे कॉपी कहीं होता है, डुप्लीकेट कॉपी होता है। और देखिए, जो कहीं गेस्ट हाउस कांड कहीं भूली है तो उसका जवाब खाली मुलायम सिंह दे सकते हैं,
और मुलायम सिंह यादव को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मायावती को माफ़ किया, और मायावती को बोलना चाहिए कि मैंने मुलायम सिंह यादव को माफ़ किया। जब ये आता है सार्वजनिक रूप से तो उसका कुछ जवाब होता है, मगर ये कोई भूलता नहीं है, ये कल फिर आएगा, इस देश की जनता उत्तर प्रदेश के सामने आएगा, यही इसी का बहाना लिया जाएगा। और अभी ये जो गठबंधन है वो अवसरवादी है, उन लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है, इसलिए दोनों साथ आए। मायावती कह रही है कि गुरु चेले यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नींद उड़ जाएगी इस गठबंधन से। जिसकी नींद उड़ी है वो तो गठबंधन कर रहे हैं ना, कहीं जिसकी नींद उड़ी नहीं है वो तो आराम से बैठा हुआ है, तो हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, ये दोनों की नींद उड़ी है इसलिए दोनों। एक बस अंतिम सवाल, नेहरू गांधी परिवार की कर्म स्थली रही थी उत्तर प्रदेश, लेकिन आज गठबंधन में उनके लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी गई है, यानी गठबंधन के वो हिस्सा नहीं है लेकिन 2 सीटों पर ये गठबंधन अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा। देखिए ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, और कांग्रेस को ये भी जवाब देना चाहिए कि आपकी समाजवादी पार्टी और BSP ने आपकी औकात, राजनीतिक औकात 2 सीट की क्यों कर दी।